हाय स्टूडेंट, आई एम दुर्गेश कुमार। आज आप लोग को HEP में बताने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से बना हुआ हुआ है और क्वेश्चन से बार बार ये क्वेश्चन पूछता है हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, तो आप जानिए हाइपरटेंशन क्या है। ओके, तो ये 2019 में भी पूछा है ना। तो देखिए शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन प्रेशर क्या है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइपरटेंशन। तो इज ए कॉमन कंडीशन इन विच द लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट योर आर्टरी वेन हाई इनफ दैट इट मे इवेंचुअली कॉज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज। ये जो हाइपरटेंशन जो है से कॉमन कंडीशन है, क्या है, कॉमन कंडीशन है। ओके, और ये लॉन्ग टर्म तक क्या करता है, फोर्स करता है ब्लड को और बार बार को बार बार आर्टरी के द्वारा जो है से हाई इनफ तक करते रहता है और बाद में फिर क्या कॉज करता है, हेल्थ प्रॉब्लम आने लगता है और आप हार्ट डिजीज का पेशेंट हो जाते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन के मतलब ही होता है कि मतलब टेंशन में रहना। क्या में रहना, टेंशन। हाइपर यानी गुस्सा होना था। जब गुस्सा होता है तो ब्लड के जो क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, रनिंग होने लगता है पूरा कस कस के। जैसे कि आप लोग को जैसे कि पाइप है और उस पाइप में अगर जितना पतला रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ब्लड पानी का फ्लो ज़्यादा प्रेस में पार होगा। तो वो क्या होगा, जो हम लोग का जो सेल है, भित्ति है, वाल है, उस पर ज़्यादा मार करेगा। जैसे दीवार में जैसे हथौड़ी से मारा जाता है, उस तरह से ब्लड जो है से मार करेगा। तो वो क्या होगा, हम लोग को ब्लड जो है से हाई होगा, तो प्रेशर बढ़ के हाई होगा, तो अकबक जैसे लगेगा कि चोट जैसा लगेगा, तो वही अकबक हो जाता है पूरा प्रेशर, हाई प्रेशर उसी को बोलते हैं तो हाइपर टेंशन, है ना। तो देखिए यहाँ पे हाइपर टेंशन के बारे में ये हो गया। और देखिए और आप लोग को हिंदी में भी डिफिनेशन दिया गया है। और देखिए इसका जो है से नॉर्मली कितना होता है, मापते हैं BP मशीन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मापने का तरीका होता है, क्या होता है, 120, 120 YC, ये जो है क्या है, नॉर्मली इसको मापा जाता है MMGH, ये एक यूनिट है, क्या है, यूनिट है ये। तो ये इतना से मेजर किया जाता है। नॉर्मली कितना होता है, रेंज है इसको 120 से लेकर 130 ऊपर वाला क्या है, ऊपर डायस्टोलिक है, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। हम इस नीचे वाला को बोलते हैं सिस्टोलिक। तो ये नीचे वाला सिस्टोलिक कितना होना चाहिए रेंज में, 80 से 84 अगर रहेगा तो यानी नॉर्मल है। और अगर हाई नॉर्मल, हाई नॉर्मल में कितना आ जाएगा, तो 130 से 139 के बीच में ऊपर वाला डायस्टोलिक रहेगा और नीचे वाला कितना होना चाहिए, 85 से 89 के बीच में अगर नीचे वाला रहेगा डायस्टोलिक, तो ये क्या होगा, हाई होगा। ग्रेड ग्रेड में बांट दिया गया है कि हाइपरटेंशन अगर 1 मिड 140 से 159 के ऊपर होना मगर होगा तो, और नीचे वाला क्या होगा, डिस्टोलिक 90 से 99। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में कहलाएगा। तो ये सब रेंज दिया हुआ है ना, तो ये सब रेंज देख लीजिएगा। ठीक है,
देखिए इसको इट हैज़ टू नंबर से मेजर किया जाता है। पहला क्या है, टॉप। टॉप मतलब ऊपर वाला, ये वाला जो पारा वाला होता है, से ऊपर वाला टॉप कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। जैसे ये 120/80, तो इसको बोलते हैं टॉप और इसको बोलते हैं बॉटम, है ना। तो ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक है। तो ऊपर वाला क्या बताता है, फर्स्ट अपर नंबर ऑफ मेजर, यानी अपर मतलब ऊपर वाला मेजर करता है आर्टरी, आर्टरी से हार्ट हार्ट बीट, है ना। और बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, ये सेकेंड नंबर कहलाता है, जो आर्टरी से बिटवीन बीट तक क्या करता है, मेजर करता है। ओके, इसका सिम्टम क्या है, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर जो है से इंक्रीज होकर योर रिस्क ऑफ सीरीज हेल्थ प्रॉब्लम करने लगता है। जैसे में क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और क्या सर, ब्लड प्रेशर प्रेशर जो है, से यू कैन वर्क विथ योर डॉक्टर टू कंट्रोल। तभी क्या कर सकता है, डॉक्टर ही इसको कंट्रोल कर सकता है ना, जब ये बढ़ सकता है। फिर रिस्क फैक्टर क्या है इसका, तो रिस्क फैक्टर जैसे वो क्या हो सकता है, एज। एज में भी रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज है योर यू एज, यानी एज के अनुसार भी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जैसे में यहाँ 64 वर्ष के ऊपर हो जाए, या फिर ब्लड प्रेशर इज मोर कॉमन इन मेन वुमेन लाइक टू डेवलप हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर 65। फिर क्या है, रेस। रेस में हाई ब्लड प्रेशर इज द पर्टिकुलरली कॉमन अमंग पीपुल आफ्टर अमेरिका, ये सब भी हो सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, रेस में जैसे स्ट्रोक हो सकता है, यहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है इसमें। ये सब कॉमनली कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो अफ्रीकन में मिलता है। फैमिली हिस्ट्री से भी होता है, क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री से भी मतलब फैमिली हिस्ट्री कहने का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन बाई जनरेशन चलते आते रहता है, ठीक है। लेकिन नोट, फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से भी बीपी बढ़ता है या फिर हार्ट अटैक आता है। जैसे क्रिकेटर लोग जो है, से उन लोग जो है, से फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रहता है, उन लोग का हार्ट अटैक जल्दी नहीं आता है, ठीक ना। तो अगर आप साइकिल अगर 5 किलोमीटर अगर चलाइएगा आप, तो आपको हार्ट अटैक होने की रिस्क कम है। तो यही सब, ये चीज़ बताया हुआ है इसमें। और देखिए, यूजुअली टमाको, टमैको मतलब नारकोटिक ड्रग नहीं लेने के लिए बोलता है। नो नोट ओनली डोज स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए। च्यूइंग टमैको इमिडिएटली राइज ब्लड प्रेशर, टेम्पोररी केमिकल टमैको डैमेज इन लिंक योर, तो बोन मैरो इंक्रीज रिक्स हार्ट डिजीज, ये सब होता है टमैको से। देखिए फिर क्या है, टू मच साल्ट, यानी नमक वगैरह ये सब खाने में भी जो भी है, सोडियम वगैरह, उससे भी होता है। स्ट्रेस मतलब टेंशन लेने से भी हार्ट पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। टेम्पोररी इंक्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे, टेम्पोररी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड ईटिंग मोर यूज टमैको ड्रिंक अल्कोहल, ये सबसे भी होता है। कॉम्प्लिकेशन में आ जाइए, तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन में देखिए, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड, इसमें क्या क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, यानी ब्लड फ्लो नहीं होता है, या हार्ट फेल्यूर होता है, यानी हार्ट फेल्यूर कहने का मतलब कि हार्ट जो है से ब्लड सप्लाई करना काम कर देता है, या फिर उसमें पंपिंग जो चेम्बर हो से थिकनेस हो जाता है, यानी पतला हो जाता है,
जब पतला हो जाएगा तब ब्लड फ्लो जो है सो बहुत प्रेस में पासिंग होगा। ओके, और देखिए अगर किसी को नोट्स वगैरह ये सब चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से लोड कर सकते। देखिए हाइपर टेंशन के सिग्निफिकेंट और सिम्टम दिख रहा है यहाँ पे, पेंटिंग हो सकते हैं यहाँ पे, क्या हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, इरेगुलेटर हार्ट बीट हो सकता है, और क्या हो सकता है, फिडगस हो सकता है, वोमाइटिंग भी हो सकते हैं, है ना। देखिए हम वोमाइटिंग भी हो सकते हैं, उसमें नोसियस भी हो सकते हैं। फिर एक और है सिम्टम ऑफ ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, इसी को बोलते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सेम चीज़ है, माथा भी दर्द देता है, विजुअल प्रॉब्लम, आँख से देखने में प्रॉब्लम भी होती है ना, और चेस्ट पेन होने लगता है, गर्दन में भी दर्द वगैरह ये सब भी होने लगता है, इसका लक्षण है। यूरिन में जो ऐसे चेंजिंग ब्लड आने लगता है, ग्रेटर हार्ट बीट होने लगता है। ओके, देखिए प्रिवेंट यानी कि क्या रोकथाम क्या है, मतलब रोकने के उपाय है ना। तो रिड्यूस साल्ट, क्या करें, नमक वगैरह जो है से खाने के लिए कम यूज करना चाहिए। तो कितना ग्राम डेली कम कर दें, तो 5 ग्राम आप नमक जो है से कम कर दें, है ना। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ईट फ्रूट जो है से वेजिटेबल से रेगुलर खाएं, और कुछ कुछ जो है से अवॉइड करो, मतलब कि उसे अलग रखें। अवॉइड सैचुरेटेड फैट, फैट जो जितने फैट वगैरह वाला है वो अवॉइड करें। टोमैको जो है से जैसे सिगरेट वगैरह दारू वगैरह इस सब से बचें। फिर रिड्यूस अल्कोहल इसको नहीं पीना चाहिए, और डेली जो है से फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे करना होगा, है ना। देखिए यहाँ पे आप लोग को हिंदी में भी ये दिए हुआ है, जिनको पढ़ना होगा वो PDF से अपना लोड करके देख लेंगे। और सुनिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसमें आप लिंक से लोड कर सकते हैं। थैंक यू।